भाइयों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम तो यूज करते हो और इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो आप रील्स वीडियो भी बनाते होंगे। तो रील्स वीडियो तो आप बना लेते हो, लेकिन कि बहुत सारे बंदे जो रील्स वीडियो बनाते हैं उनके पास काफी लो एंड डिवाइस होता है। लो एंड डिवाइस मतलब कि जो आईफोन वगैरह रहते हैं और वन प्लस वगैरह जो हाई एंड डिवाइस रहते हैं जो काफी ज्यादा अमाउंट में आते हैं, वो डिवाइस क्या करते हैं कि अगर उन पे रील्स वीडियो हम डायरेक्ट इंस्टाग्राम खोल के और डायरेक्ट किसी साउंड पे लिपसिंग करते हैं तो उस लिपसिंग को मैच कर लेते हैं और उस लिपसिंग को करेक्ट बिल्कुल जो भी करेक्ट आवाज रहती है वो बिल्कुल उसकी लिपसिंग से मैच हो जाती है और काफी अच्छी वो रील्स लगती है। लेकिन जिसका लो एंड डिवाइस मोबाइल रहता है, जिसका डिवाइस काफी ज्यादा लो एंड रहता है, मतलब उसमें क्या होता है कि वो लिपसिंग तो कर लेते हैं, वीडियो को बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद क्या होता है कि उनकी जो लिपसिंग का साउंड रहता है वो मैच नहीं होता। पर मतलब होता क्या है कि वो पहले बोल लेते हैं और साउंड बाद में चलता है, कुछ शायरी बोल रहे हैं या कुछ बहुत सारे रील्स वीडियो चलते हैं जो भी कुछ वो बनाते हैं तो उनकी पहले आवाज निकल जाती है, मतलब पहले उनके होंठ वगैरह हिल जाते हैं और उसके बाद वो मतलब जो साउंड रहता है वो बाद में चलता है, कभी पहले चलता है, तो ये मतलब काफी गिचपिच हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी डिवाइस के अंदर, कितना भी लो एंड डिवाइस है आपके पास, तो आप अपने मोबाइल की किसी भी मोबाइल का यूज करके आप जो भी मतलब जो रील्स वीडियो बनाते हो उसकी लिपसिंग को किस तरीके से मैच कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में वही आपको एक सिंपल शॉर्टकट तरीके में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो भाइयों सबसे पहले आपको अपना वो डिवाइस ले लेना है जो कि हमने हाथ में ले रखा है। ये डिवाइस मान लो कि इसमें आपको रील्स वीडियो बनानी है तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको आपको लगा देना आपके स्टैंड पे, जहां पे आप लगाते हो आपके हिसाब से आपको लगा देना है। उसके बाद इसके अंदर आपको इंस्टाग्राम का कैमरा नहीं खोलना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें सिर्फ डायरेक्ट शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बात आपको सिंपल ध्यान रखनी है। बहुत मेन टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ लिपसिंग वीडियो को मैच करने के लिए। तो आपको इसको सामने रख देना है, इस मोबाइल को जहां पे भी आप अपने स्टैंड वगैरह पे रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर आपको खोलना है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, कुछ इस तरीके का ये ऐप होने वाला है। प्ले स्टोर के अंदर आपको जाकर सर्च कर लेना ओपन कैमरा और इसके अंदर आपको लाइट वगैरह सेट करके इसकी वीडियो को ऑन कर देना है और अपने जहां भी स्टैंड पे आप लगाना चाहते हो इसकी वीडियो को ऑन करके वहां पे आपको लगा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके भाई का, आपकी बहन का, आपकी सिस्टर वगैरह जो भी है घर में, आप अपने किसी का भी मोबाइल, अपने फ्रेंड वगैरह का भी मोबाइल ले सकते हो, यूज कर सकते हो। और जिस वीडियो पे आपको, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मेन टॉपिक आप डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वीडियो को आप लिपसिंग करना चाहते हो, जिस साउंड पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, उस साउंड को आपको अपने फ्रेंड या उसके मोबाइल में चला के रख देना है और अपने जेब में रख सकते हो या फिर अपने कुछ साइड में रख दो ताकि आपको साउंड आ सके। तो वो जो साउंड चलेगा जो आप साइड में मोबाइल रखोगे अपने फ्रेंड वगैरह का, तो उसके साउंड के हिसाब से आपको अपनी लिपसिंग करनी है और आपकी जो लिपसिंग रहेगी जो सामने कैमरा रहेगा ओपन कैमरे में वो मैच होती रहेगी। अब आपको क्या करना है, 2 से 3 रीटेक ले लेना है, काफी ज्यादा मतलब कम से कम आपको 2-3 बार वीडियो को बना लेना है, मतलब 3-4 बार वो पूरा साउंड हो जाए उस तरीके से आपको 3-4 बार ट्राई कर लेना है। उसके बाद जो पार्ट आपका, मान लो मैं आपको अभी काइन मास्टर में ले जाके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको सेट करना है, वो भी आपको आगे बता देता हूँ। आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन आपने कर लिया, काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपको सबसे पहले ये वाला सिलेक्ट कर लेना है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 9.60 रेशियो, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये वीडियो रील्स वीडियो अगर हम एडिट कर रहे हैं तो इसको इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है और क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कोई एक वीडियो डाउनलोड वीडियो हम अपनी निकाल लेते हैं, जो कि मान लो मैंने ये एग्जाम्पल के लिए एक रील्स आपके लिए रेडी किया है। तो मान लो कि ये रील्स हमने बना लिया, ठीक है। अब ये रील्स हमने बनाया है तो मान लो कि ये रील्स है, अब हमने ये जो रील्स आप देख रहे हो, ये जो हमने रील्स लिया है अभी गैलरी के अंदर से, ये रील्स आप मान लो कि हमने ओपन कैमरे से ले लिया है, ये तो मैंने अपने हाई डिवाइस से डायरेक्टली शूट किया है। लेकिन आपको मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि ये देख सकते हो यहाँ पे अपनों ने ये रील्स ओपन कैमरे से, जो ओपन कैमरा आपको मैंने बताया है उससे आपने शूट किया है। अब आपको क्या करना है, इसमें लिपसिंग जितनी भी आपकी हुई है, अब आपको इसमें क्या करना है कि आपका ये वीडियो कंप्लीट है, अब इसमें जहाँ पे आपको लिपसिंग मैच करवानी है तो आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको उस वीडियो को लेके आ जाना है, जो वीडियो आपने, जिस वीडियो पे आपने लिपसिंग की है वो वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डाउनलोड कर रखा है, तो मान लो यही एक वीडियो, मान लो ये वाला वीडियो, इसी वाले वीडियो को हम ले लेते हैं। अब ये वाला वीडियो आपके सामने आ चुका है, मान लो हमने इसी का साउंड लिया था, ये जो वीडियो आपको देख रहे हो ऊपर जो लगी है इसका साउंड हमने मान लो इसी रील्स पे
लिपसिंग की है। तो ये वाली जो रील्स अभी आए अभी हम लेके आए हैं, इस वाली रील्स का साउंड हमको निकाल लेना है। किस तरीके से निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इस पे वीडियो पर आपने क्लिक करके रखना है, और यहाँ पे आपको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे साइड में तो देख सकते हो एक्सट्रैक्ट आईडी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस वाला जो आप जो रील्स इस पे आपने लिपसिंग किया है, इस वीडियो का साउंड निकल गया है, मतलब इसका जो साउंड है वो नीचे निकल गया है। अब आपको इस वीडियो को यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। मान लो आप डिलीट हो चुका है, तो अब इसमें भी जितना भी साउंड आया होगा, मतलब जो आपने ओपन कैमरे में भी वीडियो बनाई होगी तो आपका जो साउंड चल रहा होगा वो साउंड आया होगा, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आपको मिक्सर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसके साउंड को सफा बंद कर देना है, मतलब इसके वॉइस को पूरी ऑफ कर देना है ऊपर वाले साउंड को। अब आपको नीचे वाले साउंड को इस तरीके से आगे पीछे करके आपको इस तरीके से सेट करके, मान लो आपकी यहाँ से लिपसिंग मैच हुई है या फिर यहाँ से हुई है, तो इस तरीके से आपको अपने साउंड को आगे पीछे करके लिपसिंग को मैच कर लेना है। और इस वीडियो को यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सेव ए वीडियो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको जैसे ही क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब लिपसिंग आप कौन सी वीडियो पे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको उसी तरीके से इसको एडिट कर लेना है। जो तरीका मैंने आपको बताया सिंपल, वही तरीका आपको यूज़ करना है। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह की हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।